बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि स्कूल न जाने वाले टीचरों की होगी कार्रवाई, वेतन काटने व साथ साथ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सर आज जो आपने रियलिटी टेस्ट किया है, जिस तरह की वस्तुस्थिति दिखी और क्या किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, उपस्थिति 50 से 60% के बीच ही पाई जा रही है और इसके लिए हमने थोड़ा कुछ नया करने के लिए सोचा। हमने अपने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को और स्वयं मैं भी सारे अध्यापकों के नंबर यहाँ उपलब्ध हैं, उन नंबरों से हम किसी को भी कॉल करते हैं और पूछते हैं कि आप कहाँ पर हैं। अगर अध्यापक कहता है कि हम स्कूल में हैं तो तत्काल मेरा दूसरा क्वेश्चन होता है कि किसी कक्षा 5 के बच्चे से बात कराइए। बच्चे से प्यार से मैं पूछता हूँ, बेटा आपको आज मिड डे मील मिला तो क्या मिला? बच्चे बड़े भावुक होते हैं, सब तुरंत बता देते हैं। उनसे मैं फ़ोन से ही उनके जनरल एबिलिटी टेस्ट भी कर लेता हूँ। मैं पूछता हूँ कि बेटा आपको पहाड़े कितने तक आते हैं? वो कहता है कि 11 तक आता है, तो मैं 10 का ही पूछता हूँ। लेकिन फिर वहाँ पर टीचरों को ये भी संदेश दिए जाते हैं कि आप इसकी गुणवत्ता और आगे बढ़ाइए। कभी कभी बच्चों से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का और राज्यपाल जी का भी मैं जानना चाहता हूँ बच्चों से कि इनको मालूम है कि नहीं कि कौन है। इस संबंध में कई स्कूल में कुछ बच्चे बताते भी हैं, कुछ बच्चे नहीं भी बताते हैं। इसलिए सख्त निर्देश है सारे शिक्षकों को कि किसी भी दशा में आप जो है इनके जनरल नॉलेज बढ़ाएं। नोटिस कठोर कार्रवाई की जा रही है और नोटिस भी निर्गत प्रतिदिन की जाती है जहाँ ऐसी व्यवस्था मिलती है।